झारखंड के रामगढ़ स्थित बड़काखाना रेलवे स्टेशन में आज 1200 मजदूरों को लेकर जब ट्रेन पहुंची तो इन नागरिकों के चेहरे पर काफी खुशी झलकती नजर आई। झारखंड के विभिन्न 22 जिलों में ये नागरिक भेजे जाएंगे। रामगढ़ जिला प्रशासन ने झारखंड के सभी जिले में अपने अपने हिसाब से बड़काखाना रेलवे स्टेशन पर प्रवासी नागरिक को लाने के लिए बस की व्यवस्था की है। बसों के माध्यम से सभी प्रवासी नागरिक अपने अपने गंतव्य तक जाएंगे। उसके बाद जिस क्षेत्र के प्रवासी मजदूर या नागरिक जिस जिस जिला के होंगे वहां के जिला अधिकारी इन लोगों का थर्मल स्कैनिंग करवाएंगे। रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रवासी मजदूर के लिए बड़काखाना रेलवे स्टेशन में नाश्ता का पैकेट, मास्क और सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई थी। सभी प्रवासी मजदूरों को बस में बैठने से पहले जिला प्रशासन के द्वारा सभी को नाश्ता और सुरक्षा के उपकरण, मास्क और सैनिटाइजर दिए गए। रामगढ़ उपायुक्त श्री संदीप सिंह ने बताया कि बेंगलुरु से चलकर रामगढ़ के बड़काखाना रेलवे स्टेशन सभी प्रवासी नागरिक पहुंचे हैं। इनके लिए हर तरह की सुविधा यहां उपलब्ध है। साथ ही रामगढ़ उपायुक्त ने बताया कि थर्मल स्कैनर की व्यवस्था सभी जिला में अपने अपने स्तर पर की गई है। अगर लोगों को लगेगा कि इन्हें होम क्वारंटाइन करना है तो जिला प्रशासन की मॉनिटरिंग में इन सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा। बड़काखाना पहुंची है सुबह में और कुल 1200 लोग हैं इसमें, जिसमें 1182 झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों के लोग हैं और 18 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जो डिटेल हम लोगों को मिला है उसमें जानकारी नहीं है। अभी पैसेंजर्स डीबोर्ड होंगे तो उससे पता चलेगा, हो सकता है कि कुछ झारखंड के हों। इन 18 लोगों की जो अभी की जानकारी है कि ये झारखंड राज्य के बाहर के हैं। तत्काल में इनके रुकने की, इनके क्वारंटाइन के, मेडिकल चेकअप की व्यवस्था हम लोगों ने यहीं रामगढ़ ज़िले में की है। इसमें बड़ी संख्या जो है गढ़वा ज़िले के करीब 370 लोग हैं, पलामू के 305 लोग हैं, इसी तरह कुछ 4-5 और ज़िले हैं जहाँ से 40-50-60 की संख्या में लोग हैं, दुमका से 80 लोग हैं, रामगढ़ ज़िले के 3 लोग हैं इसमें। तो कुल 1200 लोग हैं, 1182 झारखंड राज्य के और 18 दूसरे राज्य के। सर, इनकी प्रक्रिया, जिन जिलों के ये यात्री हैं उनके ज़िले में पहुँचने के बाद विधिवत स्क्रीनिंग, वहीं पर ये डिसाइड किया जाएगा कि इनको होम क्वारंटाइन किया जाना है या सरकारी क्वारंटाइन में रखना है। यहाँ से हम लोग खाना पीना, मास्क, सैनिटाइजर दे के अपने अपने जिलों की मजिस्ट्रेट के साथ जो बसें आई हैं उसके साथ इनको यहाँ से रवाना। वहीं प्रवासी मजदूरों के रामगढ़ पहुँचने पर विधायक ममता देवी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि इन सभी को संबंधित जिलों में पूरी सुरक्षा के साथ रामगढ़ से बसों के द्वारा उनके घर भेजा जा रहा है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कोविड-19 को लेकर के हमारी राज्य की सरकार बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय कदम हर बार उठाते आ रहा है, और यहाँ पर झारखंड सरकार की पहल से, यहाँ पर जिला प्रशासन के प्रयास से उन लोगों को अच्छी तरह से पूरी व्यवस्था देकर के इनको बसों के माध्यम से इनके संबंधित जिलों में इनके घर तक पहुँचाने का काम किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत ही सराहनीय कदम है हमारे पूरे जिला प्रशासन का, इसके लिए मैं सभी मजदूर भाइयों की तरफ से उनका कोटि कोटि धन्यवाद। न्यूजीलैंड्स चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है